हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। ये क्वेश्चन है सो दैट ओनली वन आउट ऑफ दिस एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एंड एन प्लस सिक्सटीन इज डिविजिबल बाई फाइव। इसमें से कोई एक ही फाइव से डिविजिबल है। अभी हमें यहाँ पे बोला है फाइव से डिविजिबल, तो हम सपोज कर लेंगे कि हम जो नंबर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 5q+r। अभी ये क्या है, तो ये बेस्ड ऑन यूक्लिड एल्गोरिदम है। मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, कि कोई भी नंबर हो जैसे कि 16 है और अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा 5 times 3 15, यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 times 3 plus 1, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो ये 3 जो है वो कोशेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 times q plus r रिमाइंडर, राइट, 5q plus r। आप सोच रहे हो 5 क्यों लिया, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने 5 लिया। 5q plus r के फॉर्म में हम नंबर लिख सकते हैं, वो 16 हो 18 हो 20 हो लिख सकते हैं, राइट। अभी रिमाइंडर के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 है, तो ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से लेस ही होगा। यानी रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो अगर मैं 15 ले लेता हूँ तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यानी रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। क्यों, अगर यहाँ पे मैं 20 ले रहा हूँ तो मैं कभी भी 5 times 3 15 नहीं करूँगा, ये करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 5 रहेगा, बट ये मैं नहीं कर सकता, मुझे 5 times 4 20 ही करना होगा, तो रिमाइंडर 0 टू 4 के बीच में ही कंपलसरी होगा। और यहाँ पे r की वैल्यू मैं लिख दूंगा कि r क्या क्या पॉसिबल है, तो r पॉसिबल हो सकता है 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम सभी सिचुएशन के लिए प्रूव करेंगे, अगर मैं r 0 लेता हूँ तो भी ये पांचों पांच में से 1 2 3 4 5 n n plus 4 n plus 8 n plus 12 n plus 16 उसमें से एक ही 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, हम केस 1 की बात कर रहे हैं जिसमें मैं r equals to 0 ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा, ओनली n, तो n is equals to हमने सपोज कर लिया है 5q plus r। अभी r की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 0 केस 1, तो 0 नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो n is equals to मैं बोल सकता हूँ 5q। अभी हम बात करेंगे n plus 4 सेकेंड वाले की, n plus 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा n plus 4। अभी n की जगह पे क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 5q plus r, तो यहाँ पे 5q plus r, और ये 4 मैं कॉपी कर दूंगा, ये n की जगह मैंने लिख दिया 5q plus r, और ये 4 मैंने कॉपी कर दिया। अभी आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0, सारे के लिए 0, हम केस 1 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5q plus r। अभी हम बहुत ही स्पीड से आगे कर देंगे, तो यहाँ पे n की जगह 5q plus r, 8 को मैं कॉपी कर दूंगा, ये n की जगह मैंने लिख दिया 5q plus r, और ये 8 मैंने कॉपी कर दिया। r की वैल्यू है 0 0 plus 8 8, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5q plus 8। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं n plus 12, यहाँ पे पहुँच गए हम n plus 12, n की जगह पे 5q plus r, 12 मैंने कॉपी कर दिया। r की वैल्यू है 0 0 plus 12 12, 5q plus 12। सेम वे लास्ट वाला n plus 16, यहाँ पे 16 मैंने कॉपी कर दिया, n की जगह 5q plus r, 16 कॉपी, r की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी 0, ये हो जाएगा 5q plus 16। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो मुझे मिले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, उसमें से सिर्फ यही 5 से डिविजिबल है। कैसे, तो अगर मान लो कि आप q की वैल्यू 1 ले लेते हो तो ये हो जाएगा 5 times 1 5। भी यहाँ पे 1 ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 times 1 5 plus 4 9। अगर यहाँ पे 1 ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 times 1 5 plus 8 13, 5 times 1 5 plus 12 17, 5 times 1 5 plus 16 21। तो ये सारे के सारे में से ये एक ही मुझे मिला जो 5 से डिविजिबल है। अभी ये 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपको लगता है वो डाल के आप चेक कर सकते हो। ये फर्स्ट वन है तो हम डिटेल में समझ रहे हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हो तो 5 times 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 times 2 10 plus 4 14, यहाँ पे हो जाएगा 5 times 2 10 plus 8 18, 5 times 2 10 plus 12 22, 5 times 2 10 plus 16 26, और सारे के सारे में एक ही नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। यानी केस 1 हमारा कंप्लीट हुआ कि अगर r की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये जो 5 हमें वैल्यूज दी हुई है n, n plus 4, n plus 8, n plus 12, n plus 16, उसमें से सिर्फ एक ही 5 से डिविजिबल है। अभी हम सारे के केस के लिए चेक करेंगे, r is equal to 1 2 3 4 4, 5 तक नहीं जाना है, 4 तक ही जाना है, क्योंकि r की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, as I explained earlier।
अभी हम केस टू की ओर जा रहे हैं। केस टू में क्या है, आर की वैल्यू 1 लेनी है, यानी कि सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। ये मैंने बॉक्सेस बना के एक्सप्लेन किया है ताकि आप इजीली एक ही स्क्रीन पे सारा कंटेंट देख पाओ और कंपेयर कर पाओ। तो n इज इक्वल्स टू 5q+r आगे की तरह, और यहाँ पे मैंने 5q+1 लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम वे मैंने किया, आर की जगह मैंने 1 लिख दिया 5q+5। सेम वे मैंने यहाँ पे किया, आर की जगह 1 लिख दिया। ये सारे के सारे वैल्यूज मैं टर्न बाय टर्न ले रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि आपको फर्स्ट वन क्लियर समझ में आ गया है। यहाँ पे जा रहे हैं आर की जगह 1, तो ये 5q+13। यहाँ पे जा रहे हैं आर की जगह 1, 5q+17। अभी ये सारे में आप देख सकते हो यही है जो 5 से डिविजिबल है। हमें जो प्रूव करना है वो कि ये सारे में से एक ही 5 से डिविजिबल है। तो मेरे ख्याल से यही है, क्यों? क्योंकि अगर मैं क्यू की कोई भी वैल्यू ले लूँ, जैसे कि मैं क्यू की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 times 1 plus 5। 5 times 1 5, 5 plus 5 10, 10 5 से डिविजिबल है, हाँ है। यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ क्यू की वैल्यू, तो 5 times 2 10, 10 plus 5 15 है डिविजिबल, 5 times 3 15। यानी कि 5 को किसी से मल्टीप्लाई करो और उसमें 5 ऐड करो तो 5 से डिविजिबल होगा ही। ये कंडीशन किसी में भी फॉलो नहीं हो रही है, ये किसी में फॉलो नहीं हो रही, सिर्फ इसमें ही फॉलो हो रही है। तो यानी कि अगर सेकंड केस की बात करें r इज इक्वल्स टू 1, तो उसमें भी ये बात प्रूव हो गई कि सारे पांचों पांच में से एक ही नंबर 5 से डिविजिबल है। अभी इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो अगर r की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 5q+r, r की वैल्यू 2। अभी n+4, तो n की जगह पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया 5q+r जो हमने बिगिनिंग में लिया हुआ था ये वाला, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने कॉपी कर ली। तो ये 4 तो है मैंने कॉपी कर लिया, तो ये हो जाएगा 5q+6। अभी फटाफट से कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5q+10, 5q+14। मैंने थोड़ा स्पीड में किया ताकि अभी आपको ऑलरेडी क्लियर समझ में आ गया है, तो आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो अभी ये सारे में से देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है। सोचो क्यों, अगर क्यू की जगह मैं 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 times 1 5 plus 10 15 15, 5 से डिविजिबल है। अगर 2 ले लेता हूँ तो भी है, 3 ले लेता हूँ तो भी है, 5 ले लेता हूँ तो भी है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन में से ये 5q+10 जो है वो डिविजिबल है 5 से। अभी फटाफट से हम केस 4 और केस 5 की बात कर रहे हैं। केस 4 में हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 ले लेंगे, तो ये 5q+3 हो जाएगा। सेम चीज मैं कर रहा हूँ, n की जगह 5q+r ये जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, r की वैल्यू सब में 3 लिख रहा हूँ। तो ये 5q+7 हो गया, ये 5q+11 हो गया, ये 5q+15 हो गया, ये 5q+19 हो गया। अभी इसमें भी आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आप ढूंढ पाओगे, मेरे बोले पहले से ही आप ढूंढ पाओगे ये वाला, ये 5 से डिविजिबल है। क्यों, अगर मैं क्यू की जगह 1 ले लेता हूँ तो 5 times 1 5 plus 15 20, 5 times 2 10 plus 15 35, 5 times 3 15 plus 15 30। तो ये कोई भी वैल्यू आप ले लो, ये 5 से डिविजिबल है। यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो सारे में से एक ही आपको चॉइस ऐसी मिली जो 5 से डिविजिबल है। लास्ट केस की बात कर रहे हैं जिसमें हम 4 लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 4 ले लिया, तो सारी की सारी वैल्यूज़ मुझे कुछ इस तरह से मिल गई। मैंने जो पहले किया वही कर रहा हूँ, n की जगह 5q+r और ये 4 मैंने कॉपी कर दिया। सिर्फ मैं r की वैल्यू सब में चेंज कर रहा हूँ, इसमें सारे के सारे में r की वैल्यू में 4 ले रहा हूँ। तो कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मुझे मिल चुके हैं और मुझे पता चला कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड कि n+4 n+8 n+12 n+16 में से कोई एक ही है जो 5 से डिविजिबल है। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने ये 5 क्यों क्यों लिया था, क्योंकि 5 की बात थी, अगर 3 से होता तो मैं 3q+r लेता, 7 से लेता तो 7q+r होता। तो यानी मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन कर दिया है और आपको ये भी बता दिया है कि कितने केसेस लेने हैं। तो जो जो रिमाइंडर पॉसिबल है, फॉर एन एग्जाम्पल ये होता कि 3 से डिविजिबल, ऐसा प्रूव करना है तो मैं ले लेता 3q+r, और जब भी डिवाइजर 3 हो, हम डिविजन करें डिवाइजर 3 हो, तो रिमाइंडर इससे कम ही होगा डिवाइजर से, तो हम r की वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2। सिंपल। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हो, मैं उसके वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ मेरे चैनल पे, बट आई थिंक मैंने ये सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई की, और उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।